अब यहां पे देखो ये जो है ना, यहां पर हम चेक बॉक्सेस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो ये होम टैब है, ये फाइल टैब है, ये ऑफिस 365 में ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट है, तो जैसे इंसर्ट पे आओगे तो बिल्कुल 2007 से उलट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा टेबल। अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है पाइवोट टेबल, और यहाँ रिकमेंडेड का एक ऑप्शन मिलता है, और जनरल टेबल जो बनानी है वो भी ऑप्शन को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या है, चेक बॉक्स का ऑप्शन है, चेक बॉक्स यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड चार्ट है, यानी अगर आप कोई चार्ट बनाना चाहते हैं तो चार्ट यहाँ से भी बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब चार्ट बनाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, एक हमें डेटा चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक डेटा था ना, जो डेटा आपने ओपन किया था सुमित नाम से, तो ये डेटा अगर हम ओपन कर लेते हैं तो इसमें आप चार्ट बना सकते हो। अब ये काफी बड़ा डेटा है, अटेंडेंस शीट का डेटा है, तो यहां से यहां तक जहां तक आपका डेटा है उस पूरे डेटा को आप कर लीजिए सेलेक्ट, ठीक है। यहां पर वर्किंग डेज कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो अभी इसमें ये सब चीजें कैलकुलेट नहीं हुई है, लेकिन जितना कैलकुलेट हुआ है उतना तो हम ले सकते हैं। तो कंट्रोल ए करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इन सब चीजों को हटा देते हैं, तो इसी को हम लोग बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए, ठीक है ना। नेम कर देते हैं, ठीक है, ये नेम हो गया। और फिर यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा डेट। तो आज कितनी तारीख है जरा बताओ, 5 तारीख है। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे अब एक दो हो गया ना, तो अब यहां से इसको ड्रैग करोगे तो पूरा जो आ है, जाएगा, 3, 4, 6, 7, 8। ठीक है, तो 35 तारीख तो होगी नहीं, 31 अगस्त तक रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहां पर आकर के क्या करना है, इधर आना है। और अब आज आज दिन कौन सा है ये बताओ, सोमवार है, तो मंडे यहाँ पे लिखना है MON। और जैसे ही मंडे लिखोगे ना तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर अब आप ड्रैग कर लीजिएगा इसको, 31 तक पूरा ड्रैग करवा लीजिए, और इसी को उल्टा भी ड्रैग मार दीजिएगा ऐसे, तो भी जो है यहाँ तक आ जाएगा ये पूरा। तो देखिए, एक को कौन सा दिन था, दो का कौन सा दिन था, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। और रोल नंबर में आप रोल नंबर डाल देंगे 1, एंटर करके 2 डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप इसको लेके चलेंगे, तो रोल नंबर को हम नीचे से डालेंगे, यहाँ से जा करके ये जो है ना यहाँ से रखेंगे, क्योंकि इन दोनों को तो हम मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए, एक साथ मर्ज करने के लिए कैसे मर्ज करेंगे, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, ये कंट्रोल दबा के दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल दबा के ये मैंने किया है, ठीक है। अब यहां पर शॉर्टकट की बताया था हमने, Alt HMM। तो देखिए दोनों एक साथ रिसाइज हो गया, देख रहे हैं, मतलब रिसाइज नहीं हुआ बल्कि मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और यहां पर अब आप आइएगा ना, तो यहां पर आकर के 1 एंटर करके 2 करिएगा, और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके सीधा नीचे लेके चले जाइएगा, तो जो भी स्टूडेंट के नेम है वो यहां पे आ जाएंगे। और आपको यहां पर प्रेजेंट एब्सेंट भरना है तो आप सिर्फ चेकबॉक्स बना लीजिए, काम हो जाएगा। कैसे, देखिए दिखाता हूं, यहाँ पे आए, अब इसके नीचे तो है नहीं डेटा हमारा, यहीं तक डेटा है, बल्कि यहीं तक डेटा है, तो जहां तक है डेटा वहीं तक लेके जाएंगे हम। ये हो गया, और अब आप यहाँ पे इंसर्ट पे चले जाइए, और चेक बॉक्स बनाना है, तो ये चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए। तो ये सारे चेक बॉक्सेस बन गए ना। अब जब आपको प्रेजेंट या एब्सेंट डेज काउंट करने होंगे तो जिस पे टिक है उसी को ये प्रेजेंट मानेगा, ठीक है। ये एक्सेल में बता रहा हूं, ये गूगल शीट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जिन पे टिक है उन्हीं को ये प्रेजेंट मानेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूं, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या काउंट कर रहा हूँ, प्रेजेंट डेज, क्या काउंट कर रहा हूँ, प्रेजेंट डेज। तो पहले मर्ज कर लेता हूँ, Alt HMM प्रेस करके, तो ये मर्ज हो जाएगा एम जैसे ही प्रेस करेंगे तो। और यहाँ पे मैं क्या काउंट कर रहा है, प्रेजेंट डेज, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट डेज, PRESENT प्रेजेंट डेज, DAYS, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये DAYS प्रेजेंट डेज हो गया। अब यहाँ पे प्रेजेंट डेज काउंट करना है, तो इज इक्वल टू काउंट इफ करिए, CONT काउंट इफ IF लगाइए, ब्रैकेट ओपन करिए, ठीक है। अब यहां से आपको सेलेक्ट करना है, देखिए क्या सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे कितने टिक हैं गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब आप इसको पूरा सेलेक्ट कर जाइए, इधर तक पूरा आना है आपको, यानी जहां तक 31 तारीख तक पूरा आ जाना है सेलेक्ट करते हुए, ठीक है। और देखिएगा चेंजेस कैसे होते हैं, इसमें सारी बातें आपको एकदम क्लियरली पता लगेंगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, अब यहां पर क्या करिएगा, कॉमा लगा करके डबल कॉमा में क्या लिखिएगा, डबल कॉमा में क्या लिखना है आपको, जैसे डबल कॉमा लगाएंगे तो यहां पर आप क्या देंगे, ट्रू, या यहां पर ट्रू लिख दीजिए, TRUE, ट्रू लिख करके और डबल कॉमा को क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिएगा। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने एक और जगह टिक कर दिया तो ये 5 बन जाएगा अपने आप टिक।
फिर यहां पर एक और जगह टिक कर दिया, तो ये यहां पे 7, फिर यहां पे 8, जैसे जैसे टिक मार्क आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चीजें बदलती जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया, तो जहां जहां ऐसे आप करते जाएंगे काम आपका होता जाएगा बहुत ही इजिली। ठीक है, यहां पे देखिए, 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 ऐसे करके आप करेंगे तो ये काम जो है आप अटेंडेंस शीट आसानी के साथ बना सकते हैं। ये अटेंडेंस शीट की लिए ही ये वीडियो क्रिएट करी है मैंने। ये देखिए यहां पर, तो ये हो गया, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट डेज निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये देखिए ये प्रेजेंट डेज। अब आपको क्या करना है, यहां से इसको ड्रैग कर देना है, तो यहां पे जाके ड्रैग कर दीजिए और देखिए यहां पर सब आ गया। इसी तरीके से अगर आपको एब्सेंट डेज निकालना होगा तो ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, हाँ बेटा, तो यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। मान लो कि एब्सेंट डेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसको मैं अलाइन कर देता हूं, देखो ये मिडिल अलाइन हो जाएगा, तो ये बीच में आ गया, देख रहे हो। और इसको यहां से लेकर के क्या करना है, Alt H M M प्रेस करना है, तो ये हो गया। तो अभी यहां पे एब्सेंट डेज हम बताएंगे, ठीक है, ये प्रेजेंट डेज हो गया और ये हो जाएगा एब्सेंट डेज। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट डेज और ये हो गया एब्सेंट डेज। ठीक है, और यहां पे क्लिक करके इसे मिडिल अलाइन कर लेंगे। ये देखो ये छिपता हुआ नजर आ रहा है, तो Alt H O I प्रेस करेंगे तो ये रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे प्रेस करना है, Alt एक बार फिर H O I, तो ये रिसाइज हो जाएगा, रिसाइज हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पे एब्सेंट डेज कैलकुलेट करना है, तो एब्सेंट डेज के लिए क्या करेंगे, काउंट इफ क्या लगाना है, काउंट इफ लगाना है। और यहां पर आपको क्या करना है, ये पूरा रेंज पहला वाला ही खाली करना है, ऐसा नहीं है कि दूसरा तीसरा चौथा कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खाली पहला वाला रेंज आपको सेलेक्ट करना है, ये पहले स्टूडेंट का केवल। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये पूरा नहीं जाना है, यहीं तक रहना है, 31 तक रहना है आपको। फिर कॉमा लगा करके डबेटेड कॉमा में यहां लिख दीजिएगा फॉल्स। ठीक है, यानी प्रेजेंट के लिए ट्रू, एब्सेंट के लिए फॉल्स और एंटर। तो देखिए ये 22 दिन एब्सेंट हैं और प्रेजेंट कितना है वो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए, यहां पर भी हम एक चीज कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, वर्किंग डेज काउंट करेंगे, Alt H M M। ठीक है, तो यहां काउंट कर लेते हैं वर्किंग डेज, तो ये हो गया वर्किंग डेज डी ए वाई एस। ठीक है, इसको भी मिडिल अलाइन कर लेते हैं यहां से। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर आकर के इक्वल टू लगाना है। वर्किंग डेज कैसे निकलेगा, प्रेजेंट डेज और एब्सेंट डेज दोनों को जोड़ लेंगे तो वर्किंग डेज आ जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट डेज हो गया प्लस एब्सेंट डेज हो जाएगा, दोनों को मिला करके आ जाएगा वर्किंग डेज। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, वर्किंग डेज में संडे भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो जहां जहां संडे है वहां से ये चेकबॉक्स हमें हटाना होगा। ठीक है, देखो जैसे ये संडे है तो संडे तो वर्किंग डेज होता नहीं है, तो इसके लिए चेकबॉक्स को हटाने के लिए यहां से जाकर के और इस पर क्लिक कर देंगे दोबारा से, तो ये हट जाएगा। और अगर नहीं भी हटता है तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, नहीं हट रहा है, इसमें हम लोग ये संडे वाला हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या करना है, मैंने सारा हटा दिया, देखिए इसको क्या करना है, यहां पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है आपको, सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले। सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहां पे जाके इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे माउस से। ठीक है, आप कीबोर्ड की मदद से भी जा सकते हैं। ठीक है, और फिर यहां पर राइट क्लिक करिएगा, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहां दिखेगा इंसर्ट, यहां दिखेगा डिलीट और यहां दिखेगा क्लियर कंटेंट, तो आपको क्लियर कंटेंट पे करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, और अगर एक बार में नहीं हटेगा तो आपको दो बार ये करना होगा, और दूसरी बार में क्या करना पड़ेगा, यहां से जाकर के राइट क्लिक करना पड़ेगा और राइट क्लिक करके और क्लियर कंटेंट कर दीजिएगा, तो ये हट जाएगा पूरा। और हटने के बाद ये वर्किंग डेज काउंट होगा, तो देखिए 27 दिन वर्किंग डेज है, संडे को छोड़कर के 27 दिन सब में वर्किंग डेज दिखा रहा है। इसके बाद यहां पर इन दोनों को मर्ज करने के लिए Alt H M M, ठीक है, तो ये वर्किंग डेज हो गया। और वर्किंग डेज के बाद अब यहां पे क्या काउंट करना है, टोटल डेज काउंट करना है। क्या काउंट करना है, टोटल डेज, तो ये हो गया टोटल और यहां पे कर लेते हैं डेज। तो यहां पे टोटल डेज को काउंट करना बड़ा आसान है, कैसे काउंट करेंगे, तो यहां पर टोटल डेज को काउंट करने के लिए हमें देखिए प्रेजेंट डेज है और एब्सेंट डेज है, तो प्रेजेंट डेज और एब्सेंट डेज आपका ये हो गया, और इसमें टोटल डेज ये है आपका, तो ये वर्किंग डेज है, तो टोटल डेज जो है कितना आएगा, इसमें कैसे काउंट करेंगे,
तो यहाँ टोटल डेज लिखने के बजाय हम लिख देते हैं हॉलीडे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं एच ओ एल आई डी ए वाई हॉलीडे, और हॉलीडे लिख करके यहाँ पर आकर के, और अब हम क्या करेंगे, छुट्टी वाले दिन को काउंट करेंगे, यानी संडे को काउंट करना है। तो संडे को क्या रहेगा, संडे को छुट्टी रहेगी, तो यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे क्या सर्च करना है, काउंट ब्लैंक, क्या करना है, काउंट ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए काउंट ब्लैंक, ये ब्लैंक जो आपको मिलेगी इसमें जगह, वही केवल ये काउंट करेगा। तो यहाँ से आकर के और इन सबको सेलेक्ट करके इस तरीके से जाइएगा, और इस तरीके से जा करके ये हो गया, ये हो गया, आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ तक पूरा आ जाएंगे। और यहाँ तक आने के बाद ये प्रेजेंट डेट में नहीं जाना है, यहीं तक रहना और एंटर करेंगे। तो यहाँ जो है चार आ रहा है काउंट ब्लैंक, ठीक है। तो डबल क्लिक कर दीजिए, सबका आ जाएगा। तो 4 दिन संडे था, तो 4 दिन छुट्टी थी। अब इसमें हम जो है टोटल डेज काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके ऑल्ट एच एम एम मर्ज कराने के लिए, और यहाँ पे लिख दीजिएगा टोटल डेज, तो ये हो जाएगा टी ओ टी ए एल टोटल, और यहाँ हो जाएगा डी ए वाई एस डेज, और यहाँ पर आकर के अब लगा लीजिए इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू लगा करके 27 वर्किंग डेज है, और 4 दिन जो है ऐसा है जिस दिन छुट्टी रही है, तो यहाँ पर आकर के एंटर कर दीजिए, काम हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर डबल क्लिक कर लीजिएगा, जैसे डबल क्लिक करेंगे सबका आ जाएगा, आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करके पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, ऑल्ट एच बी ए प्रेस करना है, तो यहाँ पर ये पूरा डिटेल में ऐसे तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसको चेक करते हैं एक बार, यहाँ हॉलीडे में ये और आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है नेम हमें देना है, तो नेम के लिए भी आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, इतना हिस्सा सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जाइए कहाँ पर, डेटा टाइप पे जाइए, और डेटा टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे चले जाइए और यहाँ पे बना लीजिए इसको लिस्ट, और लिस्ट बना करके यहाँ पे नाम दे दीजिए। तो जो भी नाम देना है जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, राम श्याम सचिन, जो भी यहाँ पे देना है सचिन, ठीक है, राघव लगाते हैं यहाँ पे, मनोज एम ए एन ओ जे, केशव माधव एम ए डी एच ए वी, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉमा मत छोड़िएगा, कॉमा सारी जगह लगाया गया है। नहीं नहीं इधर और बोलिए, हाँ यहाँ पे देखिए श्याम के बाद श्याम के कॉमा, बाद श्याम के बाद कॉमा नहीं है, तो यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, बस इतना ही रखते हैं, बाकी सारे नेम रिपीटेड भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब यहाँ से आप नेम चूज कर पाएंगे, तो ये राम चूज कर लिया, फिर ये श्याम चूज कर लिया, और इस तरीके से आप अटेंडेंस शीट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे देखिए ये जो आ रहा है ना, ये एरिया हमें क्या करना है, इसमें पूरा संडे ही फिल करना है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर लिख दीजिए संडे एस यू एन, लेकिन जैसे ही आप इसको संडे लिखेंगे ना, तो ब्लैंक काउंट ब्लैंक चूंकि लगाया है, तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इतने एरिया को सेलेक्ट करके और इसको एक कलर प्रोवाइड कर देंगे और इसको मर्ज कर देंगे। तो ऑल्ट एच एम एम कर देते हैं, ये मर्ज हो गया, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, या आप यहाँ पे संडे संडे फिल भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने फंक्शन लगाया है काउंट ब्लैंक का, तो इस वजह से मैं इसे ब्लैंक कर देता हूँ पूरा, जैसे जहां जहां संडे आएगा उसको मैं ब्लैंक कर दूंगा। ये देखिए ऊपर संडे लिखा ही हुआ है, अल्ट एच एम एम, ठीक है। फिर इधर आएंगे तो यहां पर भी वही अल्ट एच एम एम, रुक जाओ यहां पर इसको सेलेक्ट करो पहले, अब अल्ट एच एम एम, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आपको करना है, समझ में आ गया सब, क्लियर, पूरा का पूरा अटेंडेंस शीट समझ में आया कैसे बनाना है। एक्सेल 365 है ये, ध्यान देना, कौन सा वर्जन है, एक्सेल 365। अब ये देखो रोल नंबर छिपता हुआ दिख रहा है, तो ऑल्ट एच ओ आई करोगे तो ये रिसाइज हो जाएगा इस तरीके से। बाकी यहाँ पर जो भी नेम लेके आने चाहिए वो यहाँ से लेके आ सकते हो, जो भी यहाँ पे है ड्रॉप डाउन से आ जाएगा सारा नाम, ठीक है, ठीक है ना। तो जो भी आया है तो यहाँ से चेंज कर लेना, आया होगा तो इसको चेंज कर लो, यहाँ से नाम जो भी आया हो, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, समझ में आ गया ना, क्लियर, ठीक है।